नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकुमा खोपड़ी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इंदौर की बड़ी खबर के साथ, जहां बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। एक साथ कई ठिकानों पर सर्चिंग की कार्रवाई की जा रही है, जहां अन्य दो प्रॉपर्टी कारोबारियों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि हाईलिंकिंग सिटी के डायरेक्टर वीरेंद्र गुप्ता सहित कई जगह दबिश दी गई है। साथ ही आयकर टीम ने दस्तावेज समेत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य खंगाले हैं। फिलहाल सर्चिंग की कार्रवाई लगातार जारी है। इंदौर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दबिश दी गई है कई सारे कारोबारियों के ठिकानों पर, और कुल मिलाकर देखा जाए तो आयकर विभाग की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत, इंदौर से मामला सामने आ रहा है, जहां पर बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई की है और देखा जाए तो कई सारे ऐसे ठिकाने, कौन कौन से ठिकानों पर ये कार्रवाई की गई है? टैक्स विभाग की टीम ने आज सुबह इंदौर में स्काई और हाई लिंक बीसीएम ग्रुप के कई ठिकानों पर छापा मारा है, और ये जो कार्रवाई है इसमें अभी सर्वे किया जाएगा। ये सभी जो ग्रुप हैं, ये बिल्डर्स ग्रुप हैं, जो इंदौर का सत्यसाई चौराहा है, कंपनी का हेड ऑफिस है यहाँ पे, और इसी ग्रुप का जो है स्काई लग्जरिया करके स्काई पैलेस, और इनकी काफी बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, जो बिल्डरशिप के बड़े ये जो कारोबारी है इनके यहाँ सुबह 6:30 बजे छापा डाला है। और बताया जा रहा है कि जो टीम थी वो अपनी गाड़ी पे विवाह समारोह के स्टिकर लगा के यहाँ पहुंची थी, और सुबह 6:30 बजे इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और इसमें जो नाम आ रहे हैं जिन लोगों के यहाँ छापा डाला हुआ है, इसमें गोविंद चावला, निन्नी चावला, नीरज सहदेव, सागर चावला, इन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और अभी फिलहाल इसमें इनकम टैक्स की जो टीम है अभी छानबीन कर रही है, फिलहाल कोई बड़ा अपडेट इसमें सामने नहीं आया है, लेकिन कार्रवाई जो है वो निरंतर जारी है। अनुपमा, कार्रवाई अगर देखा जाए तो लगातार जारी है, लेकिन कई सारे ठिकानों पर भी छापामार कार्रवाई की गई है, ऐसे में क्या कुछ सामान मिला है आयकर विभाग को? देखिए अनुपमा, अभी अभी तो आयकर की जो टीम है इस पूरे प्रकरण में सर्वे कर रही है, अभी किसी भी प्रकार की चीजों को कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, अभी इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम टैक्स की टीम पूरी तरह से जब तक निष्कर्ष नहीं आएगी वो अभी अपनी तरफ से किसी भी चीज को लेकर कोई खुलासा नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, पूर्व में भी जो इनकम टैक्स की टीम है इंदौर में और भोपाल में कई ठिकानों पर इस तरीके से छापे मार चुकी है, और बाद में कई बड़े खुलासे किए। इस प्रकरण में भी थोड़ा सा मेरे को लगता है कि प्रतीक्षा करना चाहिए, इनकम टैक्स की तरफ से कोई जवाब अभी इस मामले में नहीं आया। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो इंदौर से आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर बिल्डर और प्रॉपर्टी कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापा मारा है। इस दौरान देखा जाए तो कई सारे ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है और लगातार कार्रवाई भी की जाने की बात यहां पर कही जा रही है।